हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों का विश्वजीत माना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिटिकल नहीं बोलूँगा, थोड़ा इजी प्रॉब्लम है, मगर हम इसको आज कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये नोकिया का 1133 मतलब नोकिया का न्यू मॉडल 105 है ये, और इसका जो पावर बटन जो है काम नहीं कर रहा है। तो आज इसको हम बड़ी आसानी से इसको जंपर करेंगे और इसके पावर बटन का जो है सोल्यूशन हम इजीली सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत आसानी से हम इसको रेडी करेंगे। और प्लस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, बस दोस्तों थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा मेरे को, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8861380442। और दोस्तों काफ़ी सब्सक्राइबर बोले सर आप दो दिन में व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा मैं दो दिन थोड़ा बिजी था, तो सो आपको कल से रिप्लाई फटाफट मिलने लगेगा। मैं अभी तक व्हाट्सअप को किसी का भी व्हाट्सअप को मैं अभी तक रिप्लाई नहीं दिया हूँ, दो दिन हो गया ठीक इसके लिए, और थोड़ा बहुत कुछ काम था इसके लिए मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सो कल से आप किसी भी बाद में पूछिए, हम आपको फटाफट रिप्लाई दे देंगे। तो हमारे पास ये नोकिया 1133 इसका जो है पावर बटन कट गया है। तो दोस्तों इसका बहुत ईजी मेथड है, ठीक है, इसका पावर बटन का आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को कनेक्शन इसका चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये इसी फ़ोन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसी फ़ोन का लिए ही सोल्यूशन है, अदर से ये दूसरा फ़ोन में ये जो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लेंगे। बजर मोड पे सेट करने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्राउंड है और हमको यहाँ पे चेक कर लेना है यहाँ पे सप्लाई कैसा आ रहा है पावर बटन पे। तो पावर बटन के हमको एक साइड में हमको ग्राउंड मिल रहा है, प्लस दूसरे साइड में इसका पॉइंट नहीं है, बिल्कुल तरह से नहीं है। तो इसका जो है ये जो लाइन है हमारा पावर बटन का, ये वाला हो सकता है, नहीं तो ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो हम ये दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नोचेंगे ब्लेड से, तो हम जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। नाइट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा मेरे मुंडी आएगी, तो सो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये दोनों, यहाँ पे हम इसको नोचेंगे, दोनों में से कोई एक कनेक्शन इसका सेंटर वाला होगा, तो हम पहले यहाँ पे इसको नोचते हैं हल्का सा ब्लेड से। ये हो गया, नोच दिया हमने हल्का सा इसको, और अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमको ये बीच में से पॉइंट्स पे यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको सप्लाई मिल रहा है, तो ये वाला चेक करते हैं, यहाँ पे हमको 400 सप्लाई आ रहा है। ओके, और एक साइड में हम लोग घस लेते हैं, वो देखते हैं, वो ग्राउंड है ना वहाँ पे भी सप्लाई है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको घस लेते हैं और एक बार, इसको भी हमने घस लिया, अभी हम इसको भी चेक करेंगे इसका क्या रीडिंग है। ओ, ये इसका यहाँ से कनेक्शन है और ये ग्राउंड है, और यहाँ पे इसका कुछ रीडिंग नहीं है। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे रीडिंग नहीं है, ये शायद दूसरा कनेक्शन होगा, ये शायद बैक बटन का शायद कोई की होगा जो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, और ये इसका पावर बटन का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बीप का आवाज़ आ रहा है, मतलब ये जो है इसका पावर का कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, अभी मैं आपको अच्छी तरीके से इसको डिटेल से बता देता हूँ, अगर नहीं बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो जगह क्रैप्स किया है, मतलब नोचा है उसको, छीला है, तो ये वाला पॉइंट जो इस साइड का पॉइंट है, ये हमारा जो है प्लस पॉइंट है, मतलब बीच में से पॉइंट है, मगर यहाँ पे हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो है हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है, और प्लस ये कोई दूसरा बटन का वाज होगा, तो हमको इस वाले बटन पे एक जम्पर लगाना है जो इस पे कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जम्पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जम्पर करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इस जगह पे जम्पर करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए हमने इसका पॉइंट जो है हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसको अभी हम जम्पर करेंगे बहुत आसानी से, तो चलिए ले लेते हैं हम एक जम्पर वायर को ले लेते हैं फटक से एक जंपर वायर लेते हैं। जंपर वायर को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्रैच कर लेते हैं हल्का से साइड में से, ये हो गया हमारा क्रैचेस, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, अभी इसको हम करते हैं सोल्डिंग।
ओके सोल्डरिंग हो गया। और दोस्तों इसको आपका कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन आपको इसमें लगाना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट में। आपको दिखाऊंगा बाद में जूम करके अच्छे से। इस वाले पॉइंट पे हमको जम्पर लगाना है और इसका वायर को जो मैं थोड़ा लंबा ले लेता हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो। इस वायर को मैंने थोड़ा लंबा सा कट कर दिया और इस वायर को जो मैं अभी इसका पहले बॉडी देखूंगा कि इसको कहाँ कहाँ लगने का चांसेस है, तो हम इसको जो है यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इस वायर को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले लूँगा अंदर, घुस जा सिम सिम, ये आ गया घुस के हमारा वायर। और हमको इसको क्या करना है, जम्पर करना है, कहाँ पे इसको जम्पर करना है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। वायर को मैंने एकदम हल्के से काटा है और इस जम्पर को मैं अभी आप लोगों को करके पहले दिखा देता हूँ। ये वायर को मैंने कट कर दिया, अभी फिर से मैंने इस वायर को निकाल लिया, निकाल के इसको हल्का से इसको छीलेंगे, फिर से छीलने का काम ज़्यादा हो रहा है, इसको अभी हम लोग छीलते हैं। मेरा सिर आ रहा होगा बार बार, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कर क्या रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसको छीला अच्छे से और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट दे देते हैं हल्का सा। ये रहा हमारा पेस्ट दोस्तों, ये 100% सोल्यूशन है, आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और पहली बात तो ये दोस्तों, मैंने आपको इसका कनेक्शन दिखा दिया जो इसका कनेक्शन कटा था। ओके ठीक है, यहाँ से हमने जम्पर ले लिया, इसको हमने कट लिया और ये हम इसको यहाँ से अंदर भी ले लिए। अभी हमको क्या करना है, इस जगह पे हल्का सा पेस्ट लगाना है। एकदम थोड़ा सा यूज कीजिएगा, ज्यादा मत यूज कीजिए, वहां पे स्वाद अनुसार आप टेस्ट के अनुसार इसको लगा सकते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा कॉमेडी कर रहा हूँ, अब गर्म है जो मेरा सोल्डिंग गन है ना, बराबर से सोल्डिंग नहीं पकड़ता है, फिर भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सोल्डिंग हो चुका है, अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जम्पर कर देते हैं बड़े आराम से। ओके, ये हमारा जम्पर हो गया, आई थत्ते निकल गया फिर से। ओ, यहाँ पे सोल्डिंग ही नहीं बैठ रहा है यार, यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा पेस्ट देते हैं जिससे सोल्डिंग हमारा अच्छे से पकड़ जाए। पकड़ ले यार, मैंने क्या किया तेरा, ओके पकड़ गया है शायद लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे एक मिनट हाँ, थोड़ा सा मैं कपड़ा इधर ही है, कपड़ा से इसको क्या करता हूँ मैं पोंछ देता हूँ, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने का चांस तो नहीं है, शायद ये बटन अच्छे से लास्ट में काम ना करे, इसके लिए हम जो है इसको पोंछ देते हैं अच्छे से। ओके, तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कि मैंने जम्पर कहाँ से कहाँ तक किया हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इसका जो जम्पर है, पहले वाला क्रॉप पे किया हूँ, ठीक है, यहाँ से इसका पॉइंट आके यहाँ पे निकला है, ठीक है। आपको ये अगर आप चेक करेंगे अच्छी तरीके से तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी प्रॉपर दिखे। इसका जो यहाँ से एक सिरा निकला है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो कनेक्शन है, तो एक वाला छोड़ के दूसरे वाले पे जो है मैंने एक जम्पर किया है और एक जम्पर जो है मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। इस वाले जगह से मैंने एक जम्पर लिया है, इस जगह से जम्पर लेके मैंने इस जगह पे जम्पर किया है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मैंने किस तरीके से इसको जम्पर किया, समझ गए होंगे। तो अभी हम इसको क्या है, अभी हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ऑन, ये देखिए दोस्तों जो हमारा फोन जो है ऑन हो गया पूरी तरीके से। ऑन नहीं मिसा सर,
दोस्त एक कस्टमर आ गया था, सो उनसे बात करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर से मैं आप लोगों के चेक करा देता हूँ। अरे पिन गिर गया, पिन गिर गया, पिन गिर गया। तो हमने वो जंपर आप लोगों को तो दिखाई दिया है, ठीक है। आप इस तरीके से करके जो है फ़ोन को पूरी तरीके से ओके कर सकते हैं और ये 100% सोल्यूशन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सामने बेल का ऑप्शन है उसको दबाना मत भूलिए, उसको दबा देंगे तो मेरे जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है आप पहले देख पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका रात अच्छे से गुजरे।